साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। पीएफआई पर 5 साल का बैन, टेरर लिंक के सबूत, सरकार ने कहा इनकी गतिविधियां देश की सुरक्षा को खतरा। राहुल का भाजपा पर तंज, केरल में राहुल गांधी बोले अंकिता इसलिए मारी गई क्योंकि उसने प्रोस्टिट्यूट बनने से इनकार किया था। राजस्थान में अब हिरणों में भी फैला लंपी वायरस, आंखों और शरीर में गांठें बन रही, 25 की मौत। गहलोत को क्लीन चिट, सीएम बने रहने के आसार, अध्यक्ष के नॉमिनेशन पर सस्पेंस, 2 मंत्रियों और 1 चेयरमैन को नोटिस। जम्मू कश्मीर में जैश के 2 आतंकी मारे गए, कुलगाम में एनकाउंटर जारी, 1 दहशतगर्दों के घिरे होने की आशंका। हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैरों में लगी गोली, ग्राहक सेवा केंद्र संचालन से की लूट। मुजफ्फरनगर में पीएफआई पर शिकंजा कड़ा कर रही एटीएस, सीएफआई कोषाध्यक्ष अतीकुर रहमान और इस्लाम कासमी जेल में। कानपुर देहात में घंटों एम्बुलेंस के लिए भटकता रहा युवक, ना मिलने पर पैदल ही शव लेकर चल पड़ा, सड़क हादसे में बच्चे की हुई थी मौत। लखीमपुर खीरी में नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण एक्सीडेंट, हादसे में 7 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत, वहीं 25 लोग गंभीर रूप से घायल। चंदौली में संदिग्ध हाल में महिला रेलकर्मी की मौत, गला दबाकर हत्या की आशंका, पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजी। दस दिन बाद नजर आए जिनपिंग, सोशल मीडिया पर हाउस अरेस्ट की अफवाहें थी, अगले महीने 3री बार राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। समंदर में चीन का दखल, दूसरे देशों की समुद्री सीमा में पकड़ रहा मछलियां, सारे जलजीवों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। समुद्री चक्रवात इयान ने क्यूबा में मचाई तबाही, आज फ्लोरिडा में दस्तक देने की आशंका। बाल्टिक सागर में रूस की गैस पाइपलाइन में रिसाव, सोची समझी साजिश के तहत क्षति पहुंचाए जाने की आशंका। कट्टरपंथ उग्रवाद और कट्टरवाद के मुद्दे पर जयशंकर के 2 टूक, कहा भारत और अमेरिका को मिलकर करना होगा मुलाकात। दिलशान ने जीता दिल, रायपुर के मैदान में बांग्लादेश को श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने 70 रनों से हराया। चार्ली डीन ने मॉकडिंग विवाद पर तोड़ी चुप्पी, दीप्ति ने रन आउट हुई इंग्लैंड की खिलाड़ी, बोली अब क्रीज में ही रहूंगी। विक पोर्टल फील्ड की ओपनिंग पार्टनरशिप में जीते किंग्स, गुजरात ज्वाइंट्स को 57 रनों से हराया, टीम टॉप 2 में पहुंची। पाकिस्तान के पास हार्दिक पांड्या जैसा कोई नहीं, शाहिद आफरीदी ने एक टीवी शो के दौरान माना। कप्तान संजू सैमसन का सुपर हिट शो, 3रा वनडे जीतकर न्यूजीलैंड को 3-0 से किया क्लीन स्वीप। नोरा फतेही का इंडियन लुक, ग्रीन साड़ी में दिखी बेहद खूबसूरत, वीडियो देख फैंस ने की तारीफ। एयरपोर्ट में मस्ती करते दिखे ऋतिक रोशन, सैफ अली खान अल्कोहलिया सॉन्ग का डांस स्टेप करते नजर आए दोनों। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हुई हॉस्पिटलाइज, कल से हो रही थी उलझन, पहले से तबीयत में हुआ सुधार।
आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड, 22 साल बाद किसी महिला को मिला ये सम्मान। अजय देवगन ने फैंस को दिलाई 2 अक्टूबर की याद, शेयर किया पुराने रील्स, फैंस को दिया दृश्यम 2 का हिंट। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।